नहीं है, दुर्भाग्य होगा अगर आपका एग्जाम नहीं निकला तो आपकी किस्मत खराब होगी उस दिन, बस तभी आप रह सकते हो, कोई चांस नहीं है फिर रहने। ठीक है, मॉक टेस्ट में कितना स्कोर लाते रहे ये एक बड़ा सवाल है बच्चों का कि सर यूपी पुलिस में जो सिलेक्ट होंगे हम मॉक टेस्ट में कितना स्कोर करें। बेटा देखो, अगर मैं सच्चाई पे आऊं तो ऐसा भी हो सकता है कि जो मॉक टेस्ट में यहां 240 कर रहा हो तो उसका भी ना हो, ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, और जिसका 200 भी नहीं हो रहा वो भी सिलेक्ट हो जाए, पर ये रेयर चांसेस है, रेयर। जो अच्छे चांसेस हैं जिनका ज्यादातर बच्चों का हो जाएगा वो कितना स्कोर करें, तो मैं ये कहूंगा कि हर बच्चे को, जो मेल बच्चा है उसको 225 प्लस का टारगेट सेट कर देना चाहिए मॉक में, कि इससे कम नहीं लाना, क्योंकि आपके पास समय है, सबसे अच्छी बात यह है, और आपको पता है मुझे यही करना है, और फिर भी अगर नहीं ला पाते तो फिर ये कहीं ना कहीं गलती आपकी है। तो 225 मेल को सेट कर देना चाहिए और 215 फीमेल को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हर, ये एकदम सेफ स्कोर है जिस लेवल के आरडब्ल्यू मॉक टेस्ट बनाता है उनमें मैं बता रहा हूं, और ये इसलिए बता रहा हूं इतना अच्छा खासा स्कोर आरडब्ल्यू बना रहा है उस टाइप के जिस टाइप के इस बार आए थे और कैंसिल हो गया पेपर, री एग्जाम हो रहा है जिसका, तो भाई मैं बता रहा हूं उसके लिए कि जिस पे ये बच्चा एकदम सेफ स्कोर हो सकता है, हो सकता है 220 वाला भी बच्चा निकाले, हो सकता है 210 वाला भी निकाले, पर मैं एक सेफर साइड लेके चल रहा हूं। अगर आप ऐसा चल रहे हैं तो आप यूपी पुलिस कर जाएंगे, और ये लगातार अपने स्कोर को मेंटेन करें इस पर, अगर कम है तो मेहनत करिए। और सर मैं 240 ला, भाई बढ़िया ला रहे हो, इससे ऊपर तो मुझे कोई शक नहीं है कि आप एग्जाम निकालोगे, कोई शक नहीं है, दुर्भाग्य होगा अगर आपका एग्जाम नहीं निकला तो आपकी किस्मत खराब होगी उस दिन, बस तभी आप रह सकते हो, कोई चांस नहीं है फिर रहने। हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं इवेंट ऑफ आर्डर वे। दोस्तों जैसा कि अंकित वाटी सर ने अभी बताया आपको, जो ईपी पुलिस में जो सिलेक्शन लेने के मॉक टेस्ट में जो स्कोर होना चाहिए अभी वो 225 मेल में होना चाहिए और फीमेल में आपका 215 होना चाहिए, जो कि अपने आप में बहुत स्कोर है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट के 200 अभी नंबर नहीं आ रहे हैं, तो अपना स्कोर को मतलब कैसे बढ़ाएं इसके ऊपर मैं बात करूं, तो आप देखो मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाने के बाद में उसका एनालिसिस कीजिए, 2 घंटे का मॉक टेस्ट होता है तो लगभग 2 से 2.5 घंटे उसका एनालिसिस कीजिए, जो गलती आपको से होती है उन गलतियों को सुधारिए, आपका स्कोर, आपकी गलतियाँ सुधारेंगे तभी बढ़ेगा। आप ये नहीं है कि मॉक टेस्ट लगा लिया फिर मॉक टेस्ट लगाने के बाद में वो खोल के भी नहीं देखा, तो मॉक टेस्ट लगाने का कोई फायदा नहीं है, तो आप मॉक टेस्ट लगाइए और उसका एनालिसिस कीजिए, आपका स्कोर धीरे धीरे